पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर थाना क्षेत्र में बीते 4 मई को आम आदमी पार्टी द्वारा रोड शो निकाला जा रहा था। ये रोड शो कर्मापुरा से शुरू हुआ था। इसी दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल की जीप पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। युवक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। इसकी उम्र 32 साल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 330-153 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी के वकील ने बताया कि 107-51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके तहत मंगलवार के दिन आरोपी सुरेश को जमानत मिल सकेगी। वहीं जब तक सुरेश को जेल में रखा जाएगा, ये धारा मारपीट के केस में लगाई गई, जो कि जमानती अपराध में लगाई जाती है। इसमें इनिशियली जो हमें इनपुट्स मिल रही थी, जो पुलिस अथॉरिटी से ब्रीफिंग थी या जो भी था, उसमें हमें यह बताया जा रहा था कि 323 और 151 की अंडर सेक्शन FIR कटी गई है। बट जब अभी SCM साहब के सामने उनके सामने पेश किया है, वहाँ ये चीज़ क्लियर हुई है कि 107-51 का पर्चा कटा है। उसमें जो बेल बॉन्ड्स और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेल बॉन्ड जब भी दिया जाता है तो उसमें जो श्योरिटी होता है, इसकी वेरिफिकेशन, दैट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। सो उसकी वेरिफिकेशन के लिए रखा गया है और 7 तारीख की डेट दी है। 7 तारीख को 2 बजे रिपोर्ट लेकर यहाँ पे पेश कर दी जाएगी। देयर आफ्टर इन द इवनिंग ही विल बी रिलीज्ड। अरविंद केजरीवाल पर पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान ऑटो चालक ने थप्पड़ मारा था। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। इसमें रोड शो पर थप्पड़ कांड का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बताया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन हम दिल्ली के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ते रहेंगे। बहरहाल आरोपी को तो 7 तारीख को जमानत मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अनमोल कुमार की रिपोर्ट।